गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है सातवाहन वंश। देखो, इससे पहले हम लोगों ने शुंग वंश के बारे में चर्चा की थी, ठीक है, और आज हम एक नया वंश शुरू करने जा रहे हैं, सातवाहन वंश, ठीक है। तो सातवाहन वंश के बारे में पुराण क्या कहते हैं, पुराणों से हमें जानकारी मिलती है। पुराणों में सातवाहन वंश, देखो सातवाहन वंश भी यही था, सातवाहन वंश को पुराणों में अंतर जातीय वंश भी कहा गया है, ठीक है। इसीलिए से सातवाहन वंश भी इसी को ही कहा जाता है और आंध्र वंश भी इसी को ही कहा जाता है, ठीक है। आंध्र एक जाति का नाम है, ठीक है। अब देखो सातवाहन वंश के बारे में वायु पुराण से हमें क्या जानकारी मिलती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पुराणों में ही सातवाहन जाति को आंध्र जाति वंश का कहा गया है, ठीक है। और वायु पुराण, पुराणों में देखो हम पुराणों की जब बात करते हैं तो हम वायु पुराण की बात करते हैं। वायु पुराण में आंध्र जाति या सातवाहन जाति या सातवाहन वंश के लिए क्या कहा गया है, देखो वायु पुराण का कथन है कि आंध्र जाति ने शुंग व कड़क वंश का नाश किया, ठीक है। आंध्र जाति ने शुंगों की अविशिष्ट शक्ति व कणवों की शक्ति का नाश करके सातवाहन वंश की स्थापना की, ठीक है। देखो हम लोगों ने शुंगों के बारे में पढ़ा था इसके पहले, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, ठीक है। तो देखिए शुंग, शुंग के बाद कणव आए जो बहुत थोड़े समय के लिए, अभी शुंगों की शक्ति का पूर्ण रूप से नाश नहीं हुआ था, लेकिन सत्ता कुछ कणवों के हाथों में भी आ गई थी। शुंग पढ़े हम लोगों ने, शुंगों के बाद कणव आए, ठीक है। तो अब इस सातवाहन वंश ने क्या किया, शुंग अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, इधर शुंग भी शासन कर रहे थे और कणव भी शासन कर रहे थे, लेकिन शुंगों की जो महत्वपूर्ण शक्ति थी वो खत्म हो चुकी थी, ठीक है। तो अब इस सातवाहन जाति या आंध्र जाति ने क्या किया, पुराणों के अनुसार वायु पुराण क्या कहता है कि आंध्र जाति या सातवाहन वंश ने क्या किया, शुंगों की अविशिष्ट शक्ति और कणवों की शक्ति का नाश करके संपूर्ण सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया और सातवाहन वंश की स्थापना कर डाली, ठीक है। तो शुंग, कणव, फिर सातवाहन वंश, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा कि सातवाहन वंश जो था, ठीक है, इसके बारे में क्या अनेक मत मिलते हैं, क्या सातवाहन आर्य थे या अनार्य थे। कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि ये आर्य थे, श्रेष्ठ लोग थे, कुछ लोग क्या कहते हैं अनार्य थे, ठीक है। तो अब देखो विभिन्न इतिहासकार एक मत में नहीं है, कुछ क्या कहते हैं आर्य है, कुछ क्या कहते हैं कि अनार्य है, ठीक है, अलग अलग मत देते हैं। और इससे संबंधित, इनकी जाति से संबंधित, सातवाहनों की जाति से संबंधित हमें चार मत मिलते हैं, ठीक है। वो चार मत कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम भी चर्चा करते हैं। तो देखो सातवाहनों की जाति से संबंधित जो पहला मत मिलता है वो क्या कहता है कि सातवाहन क्या थे, अनार्य थे, ठीक है। सातवाहन क्या थे, अनार्य थे, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं कि जैसे जैसे वो आर्य लोगों के संपर्क में आए, ठीक है, तो आर्य की सभ्यताओं को उन्होंने अपना लिया और वो आर्यों से क्या हो गए, अनार्यों से वो क्या हो गए, आर्य हो गए, ठीक है। वो ये भी कहते हैं कि बहुत सारे सातवाहन राजाओं के नाम ले लो, जैसे सातवाहन राजाओं के अगर हम नाम की बात करते हैं तो सिमुक है, हाल है, पुलमावी है, ठीक है। तो इतिहासकारों का ये मानना है कि इनके नाम को देख के लगता है कि ये क्या थे, अनार्य थे, ठीक है। और जैसे जैसे ये आर्य लोगों के संपर्क में आए, इन्होंने आर्यों के रीति रिवाजों को अपना लिया और ये क्या हो गए, आर्य हो गए, ठीक है। लेकिन इस मत को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखो सातवाहनों की जाति से संबंधित जो दूसरा मत मिलता है वो क्या कहता है कि सातवाहन क्या थे, ब्राह्मण जाति के थे, ठीक है।
देखो बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि सातवाहन क्या थे, ब्राह्मण थे, ठीक है, और उन्होंने अपने मत के संदर्भ में अनेक तर्क भी दिए हैं, साक्ष्य भी दिए हैं। जैसे हम बात करते हैं ब्राह्मण कहाँ से पता चलता है कि लोग ब्राह्मण थे, तो जो नासिक का अभिलेख है, नासिक अभिलेख में सातवाहन वंश का जो सबसे प्रतापी होनहार राजा था वो अपने पुत्र शातकर्णी, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा था गौतमी पुत्र शातकर्णी, इसी का ही इस ये जो गौतमी पुत्र शातकर्णी था, नासिक अभिलेख में इस गौतमी पुत्र शातकर्णी को एक ब्रह्म कहा गया है, ठीक है, एक ब्रह्म कहा गया है, एक ब्राह्मण कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सातवाहन लोग क्या थे, ब्राह्मण जाति के लोग थे, ठीक है, इन्हें क्या कहा गया है, ब्राह्मण वंशी, इसके आधार पर नासिक अभिलेख के आधार पर इन्हें ब्राह्मण कहा गया है, ठीक है। अब देखो कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि जो सातवाहन वंश के लोग थे ये क्या थे, क्षत्रिय जाति के थे, ठीक है। देखो डॉक्टर हुए हैं इतिहासकार डॉक्टर आर भंडारकर हुए हैं, डी आर भंडारकर, वो क्या कहते हैं कि सातवाहन वंश के जो लोग थे वो क्या थे, क्षत्रिय लोग थे, क्या जाति थी, क्षत्रिय जाति के थे, ठीक है। उन्होंने किस आधार पर ये कहा गया है कि नासिक जो अभिलेख है गौतम पुत्र शातकर्णी को नासिक अभिलेख में एक ब्राह्मण अर्थात एक ब्राह्मण अर्थात या एक ब्रह्म अर्थात ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला कहा गया है, ठीक है। तो रक्षा कौन करता है, क्षत्रिय, जैसे कि हम लोग चार वर्णों के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण का कार्य पूजा पाठ करना, क्षत्रिय का कार्य लोगों की रक्षा करना, ठीक है, वैश्य का कार्य व्यापार वाणिज्य करना, और शूद्रों का कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना। ये हम लोग वैदिक समाज में पढ़ चुके हैं, वैदिक सभ्यता के दौरान पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो गौतम पुत्र शातकर्णी को जैसे कि एक ब्राह्मण कहा गया अर्थात ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला, रक्षा कौन करता है, क्षत्रिय लोग करते हैं, तो अतः ये लोग क्षत्रिय थे, ठीक है। अब देखो कुछ इतिहासकार जिसमें हेमचंद्र राय डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का नाम आता है वो क्या कहते हैं कि जो सातवाहन थे वो ब्राह्मणों व नागों की मिश्रित संतान थे, मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है। उन्होंने क्या कहा है कि सातवाहन राजाओं को आंध्र जैसे आंध्र जाति कहा गया, अर्थात सातवाहन राजा ब्राह्मण थे और कुछ इनसे क्या हो गया था, नागों से इनका संपर्क हो गया, उनसे विवाह हुआ, विवाह से जो नई संतान पैदा हुई, ठीक है, तो उस बीच सातवाहन कहलाए, मतलब ब्राह्मणों और नागों का जब संपर्क हुआ, दोनों में विवाह संबंध स्थापित हुए, तो उससे जो नई संतान पैदा हुई उसे क्या कहा गया, सातवाहन कहा गया। अतः सातवाहनों को ब्राह्मण और नागों के रक्त का मिश्रण कहा है, ये सिद्धांत किसने दिया, डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने दिया है, ठीक है। अब सातवाहनों का क्या निवास स्थान था उसके बारे में भी अनेक मत मिलते हैं, सातवाहनों का उदय कैसे हुआ, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, इनकी राजधानी क्या थी, ठीक है, इसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे, आज की क्लास में इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।